दीपिका और अपने रोमांटिक विजुअल्स लीक होने के बाद रणवीर मीडिया को कर रहे हैं अवॉइड। शाहिद कपूर ने प्लैनेट बॉलीवुड की न्यूज पर लगाई मोहर। शिल्पा शेट्टी रिसेंटली पहुंची एक रेस्टोरेंट में और यहां रेस्टोरेंट के बाउंसर्स और फोटोग्राफर्स के बीच हुई जमकर हाथापाई। क्या है ये पूरा मामला? लेट्स फाइंड आउट। ये गुंडा कर दी, ये बदसलूकी, फिर एक बार फोटोग्राफर्स पर उठाया गया हाथ, लेकिन इस बार सारी हद कर दी गई पार। शिल्पा शेट्टी को उनके हस्बैंड के साथ क्लिक करने का ये मिला एक फोटोग्राफर को सिला। बीच बाजार बुरी तरह से उसे मारा पीटा गया। रेस्टोरेंट के बाउंसर्स ने शिल्पा राज को क्लिक करने पर फोटोग्राफर्स को जमकर पीटा। Well, शिल्पा शेट्टी अपने हस्बैंड राज कुंद्रा के साथ पहुंची थी डिनर डेट पर, जहां कुछ फोटोग्राफर्स भी उन्हें क्लिक करने पहुंच गए। लेकिन जैसे ही फोटोग्राफर्स अपना कैमरा लेकर शिल्पा और राज की गाड़ी के पास पहुंचे, तो वहां मौजूद रेस्टोरेंट के बाउंसर्स ने उन्हें कैमरा बंद करने को कहा, और जब ऐसा नहीं किया गया तो उन्होंने बहुत बुरी तरह से कर दी फोटोग्राफर की पिटाई। बाउंसर ने फोटोग्राफर को इतना मारा कि उसके चेहरे से बहने लगा खून। इस पूरे मामले पर जब शिल्पा से प्लैनेट बॉलीवुड ने बात करनी चाही, तो उनकी टीम ने हमें बताया कि शिल्पा ने पिक्चर्स क्लिक करवाई थी और उसके बाद वो अपनी कार में जाकर बैठ गईं। फिर जो कुछ हुआ उन्हें कुछ समझ नहीं आया और इसीलिए वो इस मामले पर कुछ नहीं कहना चाहती हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस कंप्लेंट की जा चुकी है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब स्टार्स को प्रोटेक्ट कर रहे बाउंसर्स या बॉडीगार्ड्स ने फोटोग्राफर्स पर हाथ उठाया हो। अक्सर स्टार्स की सिक्योरिटी के नाम पर बॉडीगार्ड्स और बाउंसर्स फोटोग्राफर्स के साथ बदसुलूकी करते नजर आते हैं। अब इस तरह की बदसुलूकी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सेलेब्स को क्लिक करना फोटोग्राफर्स का काम है और इस काम के बदले उन्हें यूं सरेआम मारना हर मायने में गलत है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब इस रेस्टोरेंट ने माफी मांग ली है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि कब तक फोटोग्राफर्स को उनका काम करने पर यूं पीटा जाएगा। क्या यही है फ्रीडम ऑफ प्रेस? फज्योति सिंह, जूम, मुंबई। रणवीर सिंह ने किया मीडिया को फुल्ली अवॉइड। हमेशा मीडिया के साथ खुलकर इंटरेक्शन करने वाले रणवीर सडनली मीडिया को करने लगे हैं इग्नोर। कहीं रणवीर दीपिका की वजह से मीडिया के सवालों से नहीं बचते फिर रहे? रणवीर सिंह ने अवॉइड किया मीडिया इंटरैक्शन। रणवीर सिंह क्यों बचते नजर आए मीडिया के सवालों से? वेल, एक इवेंट पर पहुंचे रणवीर हमेशा की तरह यहां दिखे फुल मूड में। यहां रणवीर ने जमकर दिखाई अपनी फेमस ड्रामेबाजी। होस्ट के साथ फ्लर्ट किया। के साथ सेल्फी क्लिक की। लेकिन जब बात आई मीडिया इंटरैक्शन की, तो रणवीर ने कर दिया इसे पूरी तरह अवॉइड। रणवीर ने इशारों में इवेंट कवर करने आई मीडिया को ये कह दिया कि भाई आज वो किसी के सवालों का जवाब नहीं देंगे। यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर रणवीर, जो कि हमेशा मीडिया फ्रेंडली रहते हैं, हर सवाल को अच्छे से हैंडल करते हैं, सडनली उनके सुर क्यों बदल गए हैं? कहीं दीपिका की वजह से तो रणवीर मीडिया को अवॉइड नहीं कर रहे?
एक्चुअली आजकल दीपिका और रणवीर की उस एक्सक्लूसिव वीडियो की हर जगह चर्चा है जिसे प्लैनेट बॉलीवुड ने एक्सक्लूसिवली किया था अपने कैमरा में कैप्चर। इस वीडियो में रणवीर दीपिका के बीच का इमोशनल बॉन्ड और इनका प्यार साफ नजर आ रहा था। और जाहिर है कि यहाँ अगर रणवीर मीडिया से बात करते तो उनसे इस बारे में पूछा ही जाता। ऐसे में मीडिया इंटरैक्शन को ही नजरअंदाज कर देना रणवीर को बेहतर ऑप्शन लगा। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर कब तक रणवीर मीडिया को कर पाए यू अवॉइड। वो संदेश अगाठे, जूम मुंबई। कंगना रनौत ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में करण जौहर को लेकर दिए थे कुछ बोल्ड स्टेटमेंट्स, और जब इस बारे में करण जौहर की दोस्त मलाइका से पूछा गया तो उन्होंने इस पूरी कंट्रोवर्सी को कर दिया अवॉइड। Why should I comment on what somebody else has said? That's not my problem. क्योंकि you are a part of the industry, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने काफी कुछ कहा है Bollywood celebrities को लेके? I have no idea. मुझे मतलब it doesn't affect my life at all. What somebody else says, it's not like somebody has spoken about me. I have no take on it at all, because honestly, what someone else says, it is their problem and not mine. आखिर किस सवाल का जवाब देने में मलाइका अरोरा ने किया टाल मटोल। I have no take on it at all, because honestly what someone else says, it is their problem and not mine. मलाइका को किस चीज का नहीं पड़ता कोई फर्क। I really don't give it at all any importance. तो आपको बता दें कि पूरी इंडस्ट्री में आजकल कंगना रनौत के रीसेंट इंटरव्यू की चर्चा चल रही है। कंगना ने अपने इंटरव्यू में एक बार फिर से करण जौहर के साथ छिड़ी उनकी नेपोटिज्म के इश्यू पर जंग को ताजा कर दिया है। ऐसे में हर कोई इस इश्यू पर अपनी राय रख रहा है, लेकिन मलाइका जो केजो की खास दोस्त मानी जाती हैं, उनसे हमने जब ये सवाल पूछा तो देखिए क्या था उनका रिएक्शन। रिसेंटली एक्ट्रेस कंगना ने कहा कि Well, यहाँ केजो और कंगना के बीच छिड़ी नेपोटिज्म की वॉर पर मलाइका कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सोशल मीडिया ट्रोल्स को वो किस तरह से करती हैं हैंडल, तो सुनिए क्या था उनका रिएक्शन। आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर। आई डोंट थिंक यू शुड गिव इट टू मच इंपॉर्टेंस। लाइक आई थिंक एवरीबॉडी हैज सेड इनफ एंड मोर। आई ऑनेस्टली डोंट गिव इट टू मच भाव, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई नीड माई पीस ऑफ माइंड। आई नीड टू गो टू स्लीप विद अ क्लियर हेड। आई डोंट वॉन्ट टू बी हैरोड एंड हैसल्ड। अगर किसी को कुछ कोने में कुछ बैठ के कुछ कहना है, आई थिंक उनकी मर्जी है, एंड आई रियली डोंट गिव इट एट ऑल एनी इम्पोर्टेंस इन माई लाइफ। मलाइका के फैंस उनके हॉट आइटम सॉन्ग्स के दीवाने हैं, लेकिन काफी वक्त से मलाइका किसी बॉलीवुड मूवी में हॉट आइटम सॉन्ग करती हुई नहीं दिखाई दी हैं, जिससे उनके फैंस हैं निराश। जब मलाइका से उनके आइटम नंबर्स से गायब रहने के बारे में पूछा गया तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। जी हाँ, मुझे भी काफी अफसोस लग रहा है कि काफ़ी मतलब टाइम और वक्त चला गया जहाँ पे मैंने एक सॉन्ग मैंने नहीं किया। सो ऑब्वियसली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। येस, देयर हैव बीन लोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट बी पार्ट ऑफ सम रियली फैंटास्टिक सॉन्ग्स। बट येस, देयर आर सम अमेजिंग वंस होपफुली कमिंग अप इन द नियर फ्यूचर, सो लुक आउट फॉर दैट। वेल, मलाइका के फैंस इस खबर से होंगे काफ़ी खुश, और मलाइका जल्द उन्हें अपने हिट आइटम सॉन्ग से करेंगी एंटरटेन। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई।
प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. प्लैनेट बॉलीवुड ने आपको एक्सक्लूसिवली बताया था फिल्म पद्मावती के डिले की न्यूज है गलत, और अब प्लैनेट बॉलीवुड की इसी न्यूज को शाहिद कपूर ने भी कर दिया है कंफर्म. आप ही लोग डिसाइड कर रहे हो कि लेट रिलीज हो रही है, हमने तो बोला नहीं लेट रिलीज हो रही है. दिवाली में रिलीज हो रही है. देखिए आप, यू विल नो वेरी सून. थैंक यू. शाहिद कपूर ने लगाई प्लैनेट बॉलीवुड की खबर पर मुहर. शाहिद कपूर ने फिल्म पद्मावती की रिलीज डेट की प्लैनेट बॉलीवुड की खबर को किया कंफर्म. हमने आपको रिसेंटली ये बताया था कि रणवीर दीपिका शाहिद स्टारर फिल्म पद्मावती होगी 17 नवंबर को ही रिलीज. प्लैनेट बॉलीवुड को फिल्म की टीम ने एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दी थी, इस फिल्म की रिलीज डेट को नहीं किया जा रहा नेक्स्ट ईयर तक के लिए पुश. सोर्सेस का कहना है फिल्म के प्रोड्यूसर रणवीर, दीपिका और शाहिद स्टारर अपनी इस बिग बजट फिल्म को और पुश करके नहीं उठाना चाहते फाइनेंशियल नुकसान. अब शाहिद ने भी हमारी खबर पर मुहर लगाते हुए कुछ इसी तरफ इशारा किया है कि पद्मावती इसी साल रिलीज होगी. शायद पद्मावती को लेके एक्साइटमेंट है, लेकिन पद्मावती लेट रिलीज हो रही है ऐसी खबर है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप ही लोग डिसाइड कर रहे हो कि लेट रिलीज हो रही है, हमने तो बोला नहीं लेट रिलीज हो रही है. दिवाली में रिलीज हो रही है फिल्म. देखिए आप, यू विल नो वेरी सून. थैंक यू. सुना आपने शाहिद को. वैसे हमारे सोर्सेस से ये भी पता चला है कि पद्मावती की रिलीज के लिए फिल्म की टीम दिन रात कर रही है मेहनत, ताकि 17 नवंबर की रिलीज डेट को हासिल कर लिया जाए. प्लैनेट बॉलीवुड को ये भी खबर मिली है कि इस महीने की 21 को इस फिल्म का ट्रेलर भी ऑडियंसेस के सामने लाया जाएगा, ताकि दो महीने पहले से ही फिल्म को लेकर बज क्रिएट किया जा सके. अब शाहिद के इशारे से भी साफ हो गया है कि हमारी खबर 100% सही है. वैसे आपको बता दें कि शाहिद अपनी लवली वाइफ मीरा का बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई. वेल विद दिस इट्स अ रैप ऑन टुडेस शो. वी विल बी बैक टुमारो विद मोर बॉलीवुड जूस एंड स्कूप्स. अंटिल देन यू कीप वॉचिंग जूम. टर्न ऑन.